भूसा प्लीज रोना तो बंद करो। देखो तुमने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है, प्लीज संभालो खुद को। इतनी हैसियत और शर्मिंदगी के बाद खुद को संभालना आसान होता है वाली? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि वक्त की नजाकत देखकर रिएक्ट करने में ही मसलहत होती है। मामा को गुस्से में समझाना उन्हें मजीद तेज दिलाना होता और मामला और खराब हो जाता, वो भी राहिल के सामने। राहिल के सामने ही तो आपने मेरे फेवर में कुछ बोलना था वली। मामी तो मेरी सास है, उनकी बातों से मुझे इतनी अजियत नहीं पहुंची, लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे बहुत दुख दिया। मेरी खामोशी का यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता या तुम्हारे हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा हार्श रिएक्शन उस वक्त के लिए ठीक नहीं था। उनसे इससे कोई सलूशन नहीं निकलता। देखो मैं मामा से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा। खुदा ना खास्ता मैंने बीनी को इस घर में आने से नहीं रोका और ना मैं रोक सकती हूँ, लेकिन वलीद आपको इस घर में होने वाली इंसल्ट को रोकना होगा और आप रोकेंगे। मैं हैंडल कर लूंगा, प्लीज मुझे ठीक।